स्वर्ण मृगजाल प्राप्ति की लालसा प्रकट कर दी है। राम स्वर्ण मृग की सत्यता जानते हैं, परंतु वर वचन की प्रतिज्ञा को धारण करने वाले राम सीता के आग्रह को ठुकरा ही नहीं सकते। माली शत्रु है, उसका भेद प्रकट हो गया है, परंतु राम उसे शत्रु भाव से किंचित नहीं देखते। वैकुंठ धाम जाने की उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। मायावी स्वर की सत्यता लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। सीता अपनी कुटिया में अकेली पड़ ही गई। सीता लांग गई है लक्ष्मण रेखा। अपनी चाल में सफल हो गया है रावण। वियोग के क्षण में भी राम न धैर्य खोते हैं न धर्म। पहुंचे हैं शबरी के आश्रम। सीता का पता पूछना तो एक उद्देश्य है ही, शबरी को उनके हीन मनोभाव से मुक्त कराना भी राम का उद्देश्य है। भगवान भी अपने अनन्य भक्तों को ढूंढने की लालसा रखते हैं। सीता को ढूंढते पर्वतमालाओं पर विचरण करते राम इसी अन्वेषी भाव में प्राप्त कर लेते हैं अपने अनन्य भक्त हनुमान को एवं सुग्रीव को। राम काज को आतुर हनुमान सागर पार लंका स्थित अशोक वाटिका पहुंचे हैं, जहां घोर वेदना में भी माता सीता राम की मुंदरी पाकर अति विस्मित है। आएंगे प्रभु राम रक्षा को, सीता का विश्वास और प्रबल हो गया। रावण राक्षस कुल का है, परंतु साधारण योद्धा नहीं है। ऊपर से उच्च कोट का प्रकांड पंडित है और शिव का अनन्य उपासक भी। रावण की स्वर्ण जड़ लंका की दमक राम की भक्ति और प्रतिबद्धता से भरे हनुमान के बोझ के आगे मंद पड़ जाती है। हनुमान की युक्ति काम आती है। रावण का स्वर्ण भवन एवं स्वर्ण सज्जित लंका जल कर स्वाहा हो जाती है। लंका में भीषण युद्ध छिड़ चुका है। रावण की सेना के एक एक महारथी राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु राम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट है। राम का लक्ष्य है सत्य की स्थापना। युद्ध के मैदान में ये कैसी अशुभ घड़ी आ गई है। मूर्छित लक्ष्मण की रक्षा के लिए संजीवनी लाना संभव भी है या नहीं। परंतु जो हृदय में धरे है राम की भक्ति, उस हनुमान के लिए क्या संभव क्या असंभव। राम को बोध है रावण के अवगुणों का। राम दंडित करेंगे रावण को और खंडित करेंगे दम उसका। राम की
सत्य शक्ति और रावण का पराक्रम टकराएंगे। क्या होगा परिणाम? आज व्याकुल हैं देव सभी। राम ने मारे एक साथ 31 बाण, कट गए रावण के समस्त सिर, सूख गया नाग का अमृत कुंड, गिर गया दशानन धरती पर, जय घोष उठा है देवलोक से। सत्य की विजय स्थापित करते हैं राम। सीता अपने राम को पाकर आज पुनः पूर्ण हो गई है। प्रसन्न है तीनों लोगों के देवतागण। राम की मर्यादा पुनः परिभाषित हुई। मेरी अयोध्या नगरी के अतिशय हर्ष की एक और घड़ी आ गई है। प्रभु राम और देवी सीता की चरण धूलि को पाकर अयोध्या पुनः धन्य हो जाए। धन्य हो जाएंगे अयोध्या वासी। दीपों से सज रही है नगरी सारी। मां राम के अभिनंदन को अयोध्या की धरती पर उतर आए हों सब ग्रह। दीपमालाओं की स्वर्ण किरणों से आलोकित अयोध्या भूमि की ऐसी शोभा है, देवलोक भी विस्मित और आनंदित है। प्रभु श्री राम के स्वागत उत्सव दीपोत्सव के इस उल्लास में गूंज उठी है जय घोष ध्वनि। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय जय दशरथ सुत, जय रघुनंदन, जय जय रघुवर, जय कौशल्यानंदन, जय जय रघुनंदन, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की। बोलो सब एक स्वर में सियावर रामचंद्र की।